आज हम माध्य विचलन, प्रमाप विचलन और विसरण के बारे में अध्ययन करेंगे। माध्य विचलन क्या हो गया? इंडिविजुअल डाटा में तो माध्य विचलन होता है 1/n समेशन मोड ऑफ एक्स माइनस ए। मोड यानी पॉजिटिव डेटा ही लेना है हमें को। ए क्या हो जाएगा? मीन, मोड, मीडियन, कुछ भी हो सकता है जिसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं। कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन अपॉन ए, और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाएगी। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा में क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन 1/m समेशन ऑफ एफ मोड ऑफ एक्स माइनस एफ, फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कौन से माध्य से मीन डेविएशन मिनिमम होता है? मीडियन से मीन डेविएशन निकालते हैं, वो मिनिमम होता है। अब है अपकिरण की वह माप जो चिन्हों को छोड़ती है, क्योंकि मोड है तो नेगेटिव वाले टर्म्स नहीं ले रहे, तो मीन डेविएशन होती है वो चिन्हों को छोड़ती है। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन। अब उसमें क्या था कि वो मोड ले रहे थे तो चिन्हों को छोड़ रही थी, तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रमाप विचलन में व्यक्तिगत डेटा में सिग्मा, प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं, वो होता है रूट ओवर 1/n समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। या फिर इसको सॉल्व करेंगे हम आगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, 1/n समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स बार का, नहीं, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जैसे x बार क्या हो जाएगा? समेशन x अपॉन n। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में क्या हो जाएगा? 1/n समेशन ऑफ x f x माइनस x बार का होल स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रूट ओवर 1/n समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/n समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर। समेशन एफ एक्स अपॉन n क्या हो गया? x बार हो गया, और n क्या होता है? समेशन f के बराबर होता है, जिसको क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर 1/n समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। जैसे ये हम डेटा है तो हम यहाँ पर इस स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा फॉर्मूले से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड डेविएशन अपकिरण का आदर्श माप है, जबकि केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या था? समांतर माध्य था आदर्श माप। स्टैंडर्ड डेविएशन अपकिरण में आदर्श माप है, और इसका माप 0 या 0 से बड़ा होगा, सिग्मा होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ये हमारे पास जो भी था ना, ये रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वो भी सब क्या होते हैं? 0 से बड़े होते हैं या 0 के बराबर होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के वर्ग को क्या कहते हैं? प्रसरण या वेरिएंस कहा जाता है। तो वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले थे उनमें स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास प्रसरण आ जाएगा। प्रसरण स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, वर्ग होता है। इस वाले जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इसमें हम प्रसरण निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन के गुण समान होते हैं, और मूल बिंदु और पैमाने का प्रभाव, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन पर मूल बिंदु में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते परंतु पैमाने से प्रभावित होते हैं। यानी हम है ना प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा? अप्रभावित रहेगा, जबकि पैमाने से यानी हम कोई संख्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? प्रभावित होगा। ये जैसे एग्जाम्पल है, इसमें हम प्रसरण कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में तो हम करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, परंतु प्रसरण करेंगे वेरिएंस निकालेंगे तो वो स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो गिवन है। जैसे अगर 2 गुना कर रहे हैं तो 4 गुना हो जाएगा। ये एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब विचरण गुणांक, विचरण गुणांक क्या होता है कि हम सिग्मा को एक्स बार से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास विचरण गुणांक आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। जैसे हमारे पास 2 प्लेयर्स का डेटा दिया हुआ है तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा? कम होगा ना, वो मोर कंसिस्टेंट डाटा होगा, वो अच्छा डेटा होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 2 खिलाड़ी कंपनी की परफॉर्मेंस की तुलना हेतु काम में लिया जाता है, कि जिसका कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस कम होता है वह अच्छा माना जाता है। कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस पर मूल बिंदु में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है परंतु पैमाने से प्रभावित नहीं होता। जबकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस थे वो मूल बिंदु से अप्रभावित थे जबकि पैमाने से प्रभावित थे, जबकि कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस है वो उल्टा है कि मूल बिंदु से तो प्रभावित होता है परंतु पैमाने से नहीं होता है। अब कोई संख्या जोड़ने पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मान घटता है या घटाने पर बढ़ता है, यानी उल्टा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये एग्जांपल हम कर सकते हैं, और ये भी डेटा दिया हुआ है उससे कोफिशिएंट ऑफ
स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है जो विचलन गुणांक होता है, प्रमाप विचलन गुणांक, उसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, जबकि विचलन गुणांक होता है वो 100 से मल्टीप्लाई होता है। अब हम निकालेंगे सामूहिक प्रमाप विचलन कम्बाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कि दो ग्रुप्स हैं उनमें ये डेटा दिया हुआ है, तो हम कम्बाइंड मीन कैसे निकालेंगे इसका। कम्बाइंड मीन एंड कम्बाइंड वेरिएशन पढ़ रहे हैं अपन, तो कम्बाइंड मीन तो n1 x1 बार + n2 x2 बार / n1 + n2, जबकि कम्बाइंड वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर रूट ओवर n1 σ1² + d1² + n2 σ2² + d2² / n1 + n2, जहाँ पर d1 और d2 क्या है, डेविएशन है। d1 होता है x1 बार - x1 और d2 होता है x2 बार - x बार। इसको x bar - x1 bar भी लिख सकते हैं और इसको x bar - x2 bar भी लिख सकते हैं। ये एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले, गिवन फॉर्मूले से। और अब हम पढ़ेंगे परास क्वार्टल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन में संबंध, उसमें हमें ये फॉर्मूला लर्न करना है कि आर रेंज होती है वो 6 स्टैंडर्ड डेविएशन, 9 क्वार्टल डेविएशन और 15/2 मीन डेविएशन। और जो होता है ना, इसको ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं कि रेंज बड़ी होती है किससे, बड़ी या बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन से, मीन डेविएशन से, और वो क्वार्टल डेविएशन को ऐसे होता है रसोड़े में कौन था, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, खुले सिरे वाली श्रेणी में स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन में रेंज ज्ञात नहीं किए जा सकते, केवल क्वार्टाइल डेविएशन ही ज्ञात किया जा सकता है। खुले सिरे वाली श्रेणी में हम केवल क्वार्टाइल डेविएशन ही निकाल सकते हैं।